हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज की वीडियो क्लास में हम दो एग्जांपल करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर से। ये एग्जांपल आपकी बुक के ही हैं 4.5 एंड 4.6। बहुत अच्छे एग्जांपल है, बायो सावर्ट के नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं बायो सावर्ट का नियम लिख देता हूं, मतलब उसका फॉर्मूला लिख देता हूं जो कि यूज़ किया जाएगा। देखिए, किसी भी धारावाही अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है बायो सावर्ट के अनुसार म्यू नॉट अपॉन 4πIdl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को पता है। ये ध्यान में रखिए, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो इसे सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपन ने वीडियोस में डिस्कस किया है। अब अगर वही चुंबकीय क्षेत्र आपको किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर ज्ञात करना होता तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2R। ये भी आपको पता होगा, जहां n फेरों की संख्या है। अगर फेरों की संख्या एक है तो n की वैल्यू एक रख लीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। क्वेश्चन देखिए 4.5 आपको दिखाई देगा। क्या बोल रहा है? कोई विद्युत धारा अवयव डेल आई बराबर डेल एक्स आई कैप, जिसमें, चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चाहूं तो ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि यहां पर डेल आई नहीं है, वो डेल एल है। सही बात है, भाई धारा को सदिश रूप में कैसे लिखेगा? वो कितना दे रखा है आपको? डेल एल बराबर डेल एक्स आई कैप। ठीक बात है, लंबाई दे दी हमें, डेल एल मतलब डीएल दे दिया है उसने डीएल दिया है सदिश रूप में, क्योंकि आई कैप लगा रखा है, सदिश रूप में दिया। जिसमें एक उच्च धारा आई बराबर 10 एम्पियर जा रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मूल बिंदु पर स्थित, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, मूल बिंदु पर स्थित है, मतलब वो जो धारावाही अल्पांश है जिसके अंदर 10 एम्पियर की धारा जा रही है, वो कहाँ है? मूल बिंदु पर। आपको दिखाई दे रहा होगा, एरो का निशान नीचे दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है? धारावाही अल्पांश है जिसमें धारा जा रही है। ठीक है, फिर वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखो, दूरी जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो है आर, और कितना है? 0.5 मीटर, जिसे मैं लिख सकता हूं 5×10⁻¹ मीटर लिख सकता हूं। चलिए, डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करने की आवश्यकता है मुझे। देखिए क्या बोल रहा है वो, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर मूल बिंदु होगा, ठीक, और ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है ना, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु पर अगर देखा जाए तो डेल एल या डीएल अल्पांश है। इस डीएल अल्पांश में धारा जा रही है कितनी? आई। और इसी अल्पांश के कारण वाई अक्ष पर लगभग 0.5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु होगा पी, जहां आपको क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलूं, धारा की दिशा ऐसे जा रही है तो फिर इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो समझते हैं। तो देखिए, ये X दिशा है प्लस का, ये Y दिशा है प्लस की। अगर धारा ऐसे जा रही है तो अंगूठे को ऐसा रखा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको? चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। तो ये कहां की ओर निकली? बाहर की ओर निकली। क्या बाहर? कौन सा अक्ष है भाई? इस तरफ कौन सा अक्ष है? Z अक्ष है। तो ध्यान में रखिएगा, जब आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, डीबी की बात करेंगे, तो वो जेड अक्ष पर आएगा। जेड अक्ष मतलब मैं के कैप लगा सकता हूं उसकी डायरेक्शन में, अगर मेरे को वेक्टर में लिखना पड़ जाए तो। यहां पर मेरे को डेल एल भी चाहिए मैग्नीट्यूड में, क्योंकि डेल एक्स आई कैप ही लिखा है, डेल एक्स दिया हुआ होना चाहिए सवाल में। देखो, डेल एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मतलब 1×10⁻²⁰ मीटर, और यहां पर क्या लगा दूं? आई कैप। अब मेरा काम हो गया, परिमाण मेरे पास में है नहीं है, ठीक, आर की वैल्यू मेरे पास में है, आई की वैल्यू मेरे पास में है, बताओ भाई फॉर्मूला लगाऊंगा होगा नहीं कम, होना ही चाहिए। चलिए, अब आप बोलोगे कि भाई थीटा की वैल्यू कैसे लोगे, साइन थीटा क्या आएगा? बहुत सिंपल है, देखिए डीएल की डायरेक्शन यही तो ली जाएगी, धारा की दिशा में स्पर्श रेखा खींचो, तो वास्तविकता में डीएल की डायरेक्शन ये है,
ठीक। और आर कहाँ की ओर है भैया, इस तरफ ही तो है, ये आर की दिशा है। आर कैप मान लो या आर वेक्टर मान लो, दोनों के मिड का एंगल कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है। बताओ सॉल्व हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए काम करते हैं। तो धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपको यही लिखना पड़ेगा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डन हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10^-7 डायरेक्ट लिख लो, ये तो पूरा का पूरा ही सॉल्व है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर, डी एल की वैल्यू 10^-2, मैं परिमाण में ही काम कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 5 × 10^-1 का स्क्वायर करूं तो यहां पर 5 यहां पर और ये 10^-1 एक और लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया। ये तो सवाल बहुत ईजी पड़ गया हमारे लिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज को, 10^-2, रामायण खत्म। अरे खत्म हुआ नहीं हुआ, फिर ये 10^-6 हो गया क्या, तो ये हुआ 1/25 × 10^-6, दैट इज डीबी। धारावाही अल्पांश के कारण डीबी निकलेगा, और किसमें निकलेगा, टेस्ला में निकलेगा। किसमें निकलेगा, टेस्ला में निकलेगा। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं, 100/25 × 10^-8 लिख देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आएगा 4×10^-8 सॉरी बच्चों, टेस्ला, दैट इज डीबी। हाँ, अब देखिए गौर करने लायक बात यह कि हमें डीएल जो वेक्टर में दे रखा है, तो शायद ये पॉसिबल है कि वो वेक्टर में चाहता हो, आंसर भी किस में चाहता हो, वेक्टर में चाहता हो। लेकिन अगर मैं सवाल को अच्छे से पढ़ता हूं तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान सदिश रूप में लिखो। तो अगर आप ये भी करके आ जाते हो ना, कोई गलत निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर वेक्टर में जाओगे तो वेक्टर में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि डीबी की डायरेक्शन किस में लिखनी है, के कैप में लिख दीजिएगा, आपको पता है। तो हमने लिखा डीबी बराबर वेक्टर के अंदर 4×10^-8 के कैप टेस्ला। बताओ भी होगा नहीं होगा, होगा ना, होना ही चाहिए था। चलो उतारो इस चीज को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दैट इज 4.6। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि चित्र 4.13 में दर्शाए गए अनुसार किसी सीधे तार जिसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है को 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्ताकार चाप में मोड़ दिया गया है, ठीक है। आपके पास में क्या है भाई, एक वृत्ताकार चाप दिखाई दे रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। इस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी को माने, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, और वो हमें शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आगे यही बोलेगा। सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, पहला। दूसरा, किस रूप में अर्धवृत्त द्वारा बी को दिया गया योगदान वृत्ताकार पाश के योगदान से भिन्न है और किस रूप में ये एक दूसरे के समान है। अगला देखिए, क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में पहले की तुलना में दर्शाए गए अनुसार उल्टी दिशा में मोड़ दिया जाए। ओके, देखो ए और बी में उल्टी दिशा दिखाई दे रही है। चलिए सिंपल सा सवाल है, इस सवाल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। पहला केस देखिए, ए वाला ही मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। देखो कुछ ऐसा मान लीजिए, ये ऐसा और ऐसा, ये एक वृत्ताकार लूप है, ये आपको दिखाई देगा और इसका केंद्र बी है, और ये अगर त्रिज्या देखी जाए तो ये त्रिज्या हमने मान ली है स्मॉल आर, ठीक है। धारा ऐसे जा रही है, यू मान लीजिए धारा दिशा, हाँ ओके, दिशा दिखा रहा है, ऐसी ही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आपका ए वाला डायग्राम था, आपको सबसे पहले तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बच्चों, हम बोल रहे हैं कि इसमें लूप कितना है, एक ही है, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R का बनेगा। पहली बात तो मेरे को ये दिमाग में रखनी है क्योंकि लूप एक ही है ना, लूप संख्या में तो उसने बोली नहीं तो एक ही मानेंगे। दूसरा हमें क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, हमें यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम केंद्र पर निकाल रहे हैं ये पूरे लूप के कारण है,
ठीक है, और यहां पर ये लूप कितना है, मात्र और मात्र आधा है, है ना। तो अगर पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो आधे के कारण इसका भी आधा होगा, कितना भाई, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सीधे खंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, सीधे खंड कौन से, ये वाले, ये और इस वाले खंड के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बताओ भाई। ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है, क्या भाई, कि ये अगर तार है, सीधा तार है, तो सीधे तार के अक्ष पर कितने भी बिंदु हो उन सभी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। ये देखो, ये अक्ष पर ही तो है, इस तार के अक्ष पर बिंदु है, अतः चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। सवाल करवाया, वीडियो अच्छे से देखिएगा, ठीक, क्यों होगा इसका रीजन बता देता हूं, वहां पर भी बताया था, यहां पर भी बता रहा हूं। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यही तो बोलते हैं, है ना, मतलब इन दोनों में ही एंगल देखा जाता है, डी एल आर साइन थीटा लिख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। चलिए, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बता रहा हूं, है ना, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, फिर आप लिख सकते हो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हो। तो ये जो थीटा है वास्तविकता में इन दोनों के बीच में, अगर मैं यहां से डीएल वेक्टर काटता हूं, ये डीएल वेक्टर इतना सा कट कर लिया, तो इस डीएल की डायरेक्शन ऐसी है, है ना, डीएल की डायरेक्शन ऐसी है, और इस डीएल से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस लेट सपोज करो एक्स है, तो एक्स की डायरेक्शन भी तो ऐसी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी, सेम, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर, दोनों के मिड का एंगल कितना, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका सॉल्यूशन ध्यान में रखिएगा किस तरीके से दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन के लिए हम आंसर लिखेंगे कि भाई डीएल वेक्टर समांतर है आर वेक्टर के, अर्थात थीटा का मान जीरो डिग्री है, यह प्रदर्शित करता है कि सीधे, लिख लेता हूं मैं पूरी लाइन, सीधे धारावाही चालक तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा देखो, किस रूप में अर्धवृत्त द्वारा बी को दिया गया योगदान वृत्ताकार पाश के योगदान से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है भाई। देखो, अगर ये पूरा वृत्ताकार पाश होता पूरा, तो पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, इतना, आधे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, अंतर है नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा भाई, क्या, पूरे वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बी एट सेंटर होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, डन। चलिए फिर, अर्ध वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना भाई, बी हाफ के कारण लिख देता हूं, कितना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय फोर आर, आप कह सकते हैं बी एट सेंटर का जस्ट हाफ हो गया, ठीक। तो आप थ्योरी में लिख दीजिए कि भाई पूरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र यदि बीसी मान लिया जाए, तो अर्धवृत्ताकार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आधा रह जाता है, इस तरीके से ये क्या है, भिन्न है। इसका मान निकाल लीजिए भाई, मान कितना होगा भाई, बी हाफ का मान कितना होगा, देवताओं, म्यू नॉट फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन, धारा का मान दिया हुआ, मैं देख लेता हूं, 12 एम्पियर है, डिवाइडेड बाय फोर, आर का मान कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर है, 2 × 10^-2 लिख देता हूं, ठीक। ये कितना हो जाएगा भाई, 4 से 4 तो कैंसिल, और ये शायद 6 आ जाएगा, तो 6 पाई हो गया, और 10^-5, 6 पाई × 10^-5 टेस्ला, ठीक है। ये किसके कारण था भाई, आधे के कारण था, डन हुआ, हो गया क्लियर, पूरे के कारण 12 पाई हो जाता है ना, ओके।
लास्ट देखिए, क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा यदि तार को उसी त्रिज्या के अर्धवृत्त में पहले की तुलना में दर्शाए गए अनुसार उल्टी दिशा में मोड़ दें? भाई ये तार ऐसा है, अब इसको उल्टी दिशा में मोड़ दो, ऐसा त्रिज्या वही है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी वही है, केंद्र वही है, लेकिन आप ऐसे जाएगी ना धारा। बताओ, इस अर्धवृत्त के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा, इसके कारण तो चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी नहीं है। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं यहां पर देखूंगा तो आएगा तो उतना ही, आना तो उतना ही है, क्योंकि त्रिज्या वही है, धारा वही है, तो फिर परिमाण तो उतना का उतना ही है भाई, इसके कारण भी इतना ही आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, क्या भाई, पहले वाले में धारा ऐसे जा रही थी तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखते रहे? वृत्ताकार लूप है ना, दाहिने हाथ की हथेली की अंगुलियां धारा की दिशा में मोड़ो तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठे द्वारा, अंगूठा कहाँ गया, अंदर की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र था क्रॉस, मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर, जबकि इसमें देखो धारा ऐसे जा रही है तो अंगुलियां ऐसे गई, अंगुलियां ऐसे गई तो अंगूठा बाहर की ओर जा रहा है, इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चेंज हो गई, परिमाण उतना का उतना है, दिशा चेंज हो गई। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रारंभ की विपरीत हो जाएगी। प्रथम स्थिति में यह तल के लंबवत अंदर की ओर थी, द्वितीय स्थिति में यह तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। बात समझ में आई, सिंपल था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे, सवाल दोनों ही लेवल के हैं, बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।